नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। तालिबान ने अब लगभग पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमा ली है और अब वो राजधानी काबुल पर कब्जा करने की तैयारी में है। तालिबान काबुल से महज एक घंटे से भी कम दूरी पर है। इसी के साथ अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनेगी और अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार गिर जाएगी। खबर है कि आज राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्तीफा दे सकते हैं। काबुल में सूत्रों का कहना है कि सरकार आज इसकी घोषणा कर सकती है। हालांकि कल देर तक राष्ट्रपति से जुड़े सूत्रों का कहना था कि गनी अंतिम समय तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस समय तालिबान और अफगान बलों के बीच मैदान शहर में गवर्नर कंपाउंड के पास भीषण लड़ाई चल रही है। मैदान शहर को काबुल का गेटवे भी कहा जाता है। शनिवार सुबह तालिबानियों ने पक्तिया प्रांत की राजधानी शरना को भी कब्जे में ले लिया। शुक्रवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के कई प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और अब वो काबुल की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिका राजधानी काबुल से एक दिन में हजारों लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में है। लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट कराने के लिए पहला अमेरिकी मरीन काबुल में नागरिक हवाई अड्डे पर उतरा है। तालिबान द्वारा अपने आध्यात्मिक गढ़ कंधार, जो अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इस पर नियंत्रण करने के बाद भी सरकार के नियंत्रण के कुछ शहर बचे हुए हैं। तालिबानी हमले के पैमाने और स्पीड ने अफगानों और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन को झकझोर दिया है, जिसने लगभग 20 साल पहले 11 सितंबर के हमलों के मद्देनज़र तालिबान पर अंकुश लगाने के बाद देश में अरबों का निवेश किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के अंतिम आदेश से कुछ दिन पहले व्यक्तिगत सैनिकों, इकाइयों और यहां तक कि पूरे डिवीजनों ने अपने हथियार डाल दिए थे। इससे विद्रोहियों को और तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।